students, I am Digvijay Singh. I am again in front of you. Today I will solve more questions of class 10th mathematics. The chapter is quadratic equations. In previous video we talked about a lot of things. Today I will solve the method, apply the method of completing the square. This is one of the method to solve our quadratic equations. Then first method is factorization method, that is completing the square method, and next quadratic formula using quadratic formula. So completing square method is one of the most important part in examination in boarding exam. Ask solve this equation by the method of completing the square. So completing the square method का मतलब क्या होता है? You have to use a plus b or a minus b whole square. So how can you arrange? ठीक है? जैसे ही क्या होता है उसके पहले थोड़ा समझ लीजिए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेस होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हम a से डिवाइड करते हैं. पहला स्टेप डिवाइडेड बाय a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो जब a से डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से आ जाता है b बाय ax प्लस c बाय a इस तरीके से इक्वेशन. और सेकंड स्टेप क्या होता है कि एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x. यहां कोएफिशिएंट ऑफ x भी है लेकिन जो न्यू कोएफिशिएंट ऑफ x यानी b बाय a का हाफ क्या होगा? b बाय 2 a. इसका स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे और सर पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे आफ्टर सेकंड टर्म. और थर्ड स्टेप क्या होता है? जो फर्स्ट थ्री टर्म्स होता है वो या तो ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा या ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा. इन दोनों में से कोई एक होगा. ये बस यही करना है. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का प्रीवियस वीडियो में इसको ब्रीफली समझा चुका हूं. किसी भी इक्वेशन में अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और है तो उसे डिवाइड करते हैं. उसके बाद डिवाइड करने के बाद नया इक्वेशन बनता है. उसमें x का जो कोएफिशिएंट नया वाला बनता है उसके हाफ का, हाफ का मतलब 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. हाफ का स्क्वायर पहले ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट सेकेंड टर्म के बाद. उसके बाद जो फर्स्ट थ्री टर्म्स होगा या तो वो सब प्लस में है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा और अगर बीच वाला माइनस में है तो ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, इसी बेस पर इसको सॉल्व करते हैं. यहां x का कोएफिशिएंट क्या है? 4 डिवाइडेड बाय 4 यानी यहां पे समझाने के लिए सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ठीक है, जब डिवाइड करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 3 बाय 4 x प्लस 5 बाय 4 इज इक्वल टू 0 बाय 4 0 हो जाएगा. ऐड कर सकते हैं, ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 बाय 4 होगा, 5 बाय 4 0 बाय 4 है जी. अब x का कोएफिशिएंट क्या हो? 3 बाय 4. तो 3 बाय 4 का हाफ क्या होगा? 1 बाय 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 बाय 8 हो जाएगा. तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग स्क्वायर ऑफ 3 बाय 8 पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे. सेकेंड टर्म के बाद हमने बताया आपको x स्क्वायर प्लस 3 बाय 8 का स्क्वायर माइनस 3 बाय 8 का स्क्वायर प्लस 5 बाय 4 इक्वल टू भाई. कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 रुपया है, मैंने आपको 20 रुपया दिया यानी प्लस हो गया, फिर 20 रुपया ले लिया माइनस हो गया. जब 20 रुपया दिया 20 रुपया ले लिया यानी 20 रुपीज दिया 20 रुपीज ले लिया तो क्या हुआ? आपका फिर 100 रुपया बचा. इसमें हमने इतना का स्क्वायर ऐड किया सब्ट्रैक्ट कर बात तो वैल्यू वही है, कोई चेंजिंग नहीं होगी. फर्स्ट थ्री टर्म्स ये आप लाइनिंग नहीं करेंगे, हम समझाने को बता रहे हैं. ये x प्लस 3 बाय 8 का स्क्वायर हो जाएगा, सब प्लस में है तो प्लस भी होल स्क्वायर माइनस 9 बाय 64 प्लस 5 बाय 4 इक्वल. अब देखो इसको जरा तो हम समझा रहे हैं आपको. x प्लस 3 बाय 8 का स्क्वायर समझ लीजिए, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 3 बाय 8 प्लस 3 बाय 8 का स्क्वायर. आप देख रहे हैं 2 4 जाए 3 बाय 4 x हो गया और 3 बाय 8 x हो गया. तो वो फैक्ट्स तो सिस्टम शुड बी क्लियर बाय यू. अब इसको हम x प्लस 3 बाय 8 का स्क्वायर इस पर भी सब उधर ले जाएंगे तो माइनस 9 बाय 64 आपके प्लस 9 बाय 64 हो जाएगा माइनस 5 बाय 4. ठीक है, पहले इनको सॉल्व कर लेंगे. एलसीएम 64 हो जाएगा तो 9 माइनस ध्यान दीजिए 4 4 जा 16 देखिए माइनस आके प्लस हो गया और ये प्लस आके माइनस हो गया तो 480 इक्वल टू देखिए x प्लस
थ्री बाई एट होल स्क्वायर इज इक्वल टू ध्यान दीजिए थ्री का स्क्वायर नाइन होगा, एट का स्क्वायर 64, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो नाइन माइनस 80 हो क्या होगा माइनस 71 अपॉन 64। एक मिनट देख, तो अब ये वैल्यू क्या आई माइनस 71/64। अब एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ये इक्वल टू दिस है, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल, यहां लिख लेंगे इट्स नॉट पॉसिबल। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन नॉट एग्जिस्ट, आप देख सकते हैं देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन नॉट एग्जिस्ट। कभी कभी क्वेश्चन देख ऐसे एग्जाम में पूछ देता है, वो चेक करना चाहता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, अब आप सोचेंगे बिल्कुल सोल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए क्योंकि ये स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो आप लिख देंगे इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, इसका स्क्वायर ये नहीं हो सकता, देयरफॉर द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन रूल यही है, हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए तो रूल मैंने बताया है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, देखिए सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ये इक्वेशन आपका है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 2 यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, 2 से डिवाइड करें 2 से कट जाएगा माइनस 3 बाय 2x माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू 0 का टेन 0 हो जाएगा। अब 3 बाय 2 यानी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 3 बाय 4 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 3 बाय 2 का हाफ क्या होगा, देखिए 3 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 3 बाय 4 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बेटा x स्क्वायर माइनस 3 बाय 2x माइनस 1, आप देखो ऐड करना है प्लस 3 बाय 4 का स्क्वायर माइनस 3 बाय 4 का स्क्वायर और माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू 0। अब ये होगा, ये माइनस है ना, x माइनस 3 बाय 4 का स्क्वायर हमने कहा ना पूरा, अब ये माइनस 9 बाय 16 माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू 0। देखिए अगर आप x माइनस 3 बाय 4 का स्क्वायर निकालना चाहें x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 बाई 4 प्लस 3 बाई 4 का स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, 2 जा 4 हो जाएगी, ये 3 बाई 2 एक्स है कि नहीं। अब देखो बेटा x माइनस 3 बाई 4 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस 9 बाई 16 प्लस, ये माइनस आगे प्लस जाएगा माइनस आगे प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व कर ले पा एलसीएम 16 हो गया 9 प्लस 8 यानी 17 अपॉन 16 बाई 2 8 जा 16 8 बन जाए, ठीक है, तो x माइनस 3 बाय 4 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 17 अपॉन 16 या इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 4, इसको उधर ले जाएंगे तो 3 बाय 4 माइनस आगे प्लस हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 17 बाय 4 या इसको लिख सकते हैं बेटा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 4, यानी जो रूट्स होंगे यानी जो सॉल्यूशंस होंगे क्या होंगे, ये आंसर आएगा 3 प्लस रूट 17 अपॉन 4 एंड 3 माइनस रूट 17 अपॉन 4। तो इस तरीके से सॉल्यूशन निकलते हैं, सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन दे देता है आराम से फंसे रहे, हाँ कैलकुलेशन शुड बी क्लियर। अब लास्ट में अगर यहां पे नेगेटिव, अगर यहां पे नेगेटिव आ जाता ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती लिख देते नॉट पॉसिबल इट्स नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको मेथड समझना होता है कि आखिर में कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड कहता क्या है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड में जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो जो कॉमन होता है इक्वेशन, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहले एक्स स्क्वायर को ऑपोजिट यानी ए से डिवाइड करते हैं, अगर 1 के अलावा कुछ है तो उसे डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद एक्स का जो नया कोफिशिएंट होता है उसका हाफ निकालते हैं, उसके हाफ का स्क्वायर आफ्टर सेकेंड टर्म ऐड भी करते हैं सेकेंड सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, जो फर्स्ट थ्री टर्म्स होता है वो या तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर होगा या ये प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं, मैथ्स का कैलकुलेशन तो मेन पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ न्यू क्वेश्चन मोर क्वेश्चंस लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।